శరణ శంకర పార్వతి రామన చెలు నయ్య కంచి వర్ద గణన నాయక శరణ శంకర పార్వతి రామన చెలు నయ్య కంచి వర్ద గణన నాయక मतलब ऐनू इला सर यार को ऐनू सिकता इला पापा अंदुबिट्टु बेजार बीलता इद्रो कुछ दुर्भाग्यवश बारिश की वजह से हमारी कुछ नर्सरी जो है नष्ट हो गई ना होता ले ला नमगो अंतर ओळगडे ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ನಾವು ವಿಡೋಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಅರು ಇರಲಿಲ್ಲ किसान उत्पादक संगठन जिसे या सरल भाषा में हम FPO कहें तो ये किसानों का किसानों के द्वारा और किसानों से मिलकर बना हुआ संगठन है जिसमें किसान साथ में मिलकर एक दूसरे का विकास करते हैं। इसी कल्पना को साकार करने के लिए सहगल फाउंडेशन, वॉलमार्ट फाउंडेशन और 10 कृषि उत्पादक संगठन मिलकर साथ आए हैं। हमने 10 FPO नए नहीं बनाए हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे लेकिन या तो टोटली निष्क्रिय थे या आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋದು FPO ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ। ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ BODs ಆಲ್ಸೋ। We started educating the farmers through conducting discussion meetings, conducting sequence of training programs and arranging field visits. इन सभी 10 FPO में ना केवल हमने ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करके वहाँ की गवर्निंग बॉडी की मदद की है बल्कि हम इनके साथ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, क्रॉप POP और तकनीकी ज्ञान के साथ भी हम काम कर रहे हैं, इनको मार्केट लिंकेजेस दे रहे हैं। जैसे कि मूंगफली में से तेल निकालना, गेहूं में से आटा बना के ब्रांडिंग करके बेचना, ये सारे काम हम FPO के तहत करते हैं। ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿಗಳು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು। ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಈ ರೀತಿ ಈ ತರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಈ ತರ ಸಹಾಯ ಐತೆ। अभी मीटिंग में कई बार हमको ये भी आता है कि हमें आप अगरबत्ती के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए हमारी मदद करें, तो ये सभी पे हम काम कर रहे हैं। जब हमने इन FPO के साथ काम करना शुरू किया था तो यहाँ महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर थी। हमने महिलाओं के साथ FIG जिसको कहते हैं फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, उसमें काम करना शुरू किया। ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಸೈಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। हमने पाया कि इनको ऑफिस की भी ज़रूरत है, इनको गोडाउन की भी ज़रूरत है, इनको इनपुट बिजनेस की भी ज़रूरत है। हमने वहाँ पे इनपुट शॉप को फिर से फंक्शनेबल किया, डिजिटाइजेशन के सिस्टम्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है इन FPOs में। पहले तो कई बार किसानों को मशीनों से क्या फ़ायदा होने वाला है, किस मशीन का उनके खेत में उपयोग होगा, उसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो हमारे FPO में हमने कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसे हम CHC भी कहते हैं, उसके माध्यम से हमने उनको कुछ मशीनें प्रोवाइड की हैं। जिस प्रकार से सेगल फाउंडेशन हमें नई नई पद्धतियाँ, नए नए उपकरण, नए नए तकनीक और खाद बीज भंडार दे रहे हैं, जिस तरीके से हम इस समय खेती किए हैं, कितना अच्छा पैदावार हुआ है। तो ऐन स्वल्प मुंदे स्वल्प लास आगे इवी सेगल फाउंडेशन बंद स्वल्प POP ड्रिप इवेल को स्वल्प हाँ इंप्रूवरे। मुझे ये मिनी स्प्रिंकलर मिला है, इसका बहुत अच्छा उपयोग है, पानी की बचत होती है, समय की बचत भी होती है, मजदूर की बचत होती है, जैसे 4-5 घंटे में हो जाता है हमारा खेत। हम इसमें विश्वास करते हैं कि अगर किसानों से पूछा जाए उनके बच्चे क्या बनना चाहते हैं, वो ये बोले कि हमको किसान बनना है। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನೀವು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಿಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। जब से सहगल फाउंडेशन आया है हमारे FPO में, तब से हमारे गांव की महिलाएं जागरूक हुई हैं और वॉलमार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। सहगल वॉलमार्ट का बड़ा सहयोग।
इन FPO की हमारी जो यात्रा है वो यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये लगातार और सतत आगे बढ़ने की यात्रा है। हम एक पूरे गांव का खुशहाली चाहते हैं। जब किसान के पास आमदनी आए तो हम चाहते हैं कि गांव का हर बच्चा एक अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, हर एक किसान अपने आप में व्यापारी हो, हर एक किसान खुशहाल हो, हर एक गाँव में खुशहाली हो। तो ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है।